स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में। भारत और पाकिस्तान राउंड 2 यानी एक बार फिर दोनों आमने सामने, मुकाबला वही दुबई में। चीजें बदली नहीं है जहां तक सवाल शहर का है, लेकिन बदल चुकी है इंजरी की वजह से दोनों टीमों की चिंता। भारत के लिए जहां रविंद्र जाडेजा एशिया कप और साथ ही साथ वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, तो इस मैच के लिए पाकिस्तान की तरफ से शाहनवाज दहानी नहीं खेल पाएंगे चोट की वजह से। करेंगे इसी पर बात। हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। एक जबरदस्त मुकाबला, पार्ट टू कहे तो शायद गलत नहीं होगा, भारत पाकिस्तान पर। इंजरी से दोनों टीमें ही जूझ रही हैं। पहले हम भारत की बात कर लेते हैं, हालांकि इससे पहले आपकी बात हुई थी तो आपने यही कहा था कि अक्सर पटेल शायद जडेजा की जगह सीधे टीम में आ जाएंगे। क्या अभी भी आप उसी पर हैं या फिर कोई और ऐसा खिलाड़ी? दीपक हुड्डा। नहीं, मैं एक्चुअली अक्षर पटेल को तो डेफिनेटली खिलाऊंगा, क्योंकि आपको एक लेफ्ट हैंडर भी चाहिए और अक्षर पटेल का जो बैटिंग फॉर्म है वो कमाल कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने कुछ पारियां खेली हैं लेटली, खास करके वेस्ट इंडीज में, और मैचेस जिताए हैं, तो मैं बिल्कुल उनको तो खिलाऊंगा ही। और शायद हो सकता है जडेजा को जैसे यूज किया गया उनको भी यूज किया जाए, तो लाइक फॉर लाइक स्वॉप है एक तरह से रविंद्र जडेजा का, तो वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से खेलते हैं। मैं आवेश खान की जगह पे रवि बिश्नोई को खिलाने के लिए टेम्प्टेड रहूंगा, क्योंकि एक लेग स्पिनर ऑप्शन, एक अटैकिंग ऑप्शन होता है पाकिस्तान में। मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी ने खेला होगा, और आवेश का थोड़ा सा लेटली फॉर्म बड़ा साधारण सा रहा है, तो मैं उनकी तरफ मैं भी सोचूंगा। और एक और एक्चुअली मैं ऑप्शन के लिए टेम्प्टेड रहूंगा, वो है ऋषभ पंत को खिलाना टॉप ऑफ द ऑर्डर केएल राहुल की जगह पे, मे बी। इवन दो शायद ये हमको नहीं देखने मिले, क्योंकि इंडियन टीम शायद केएल राहुल को ही बैक करे, लेकिन क्योंकि उनके पास मोहम्मद नवाज है, शादाब खान है, और अगर आप टॉप ऑफ द ऑर्डर ऋषभ पंत अगर अच्छा खेलते हैं, और मुझे लगता है कि T20 में शायद वो उनके लिए बेहतर जगह है टॉप ऑफ द ऑर्डर, जिस तरह से फियरलेस क्रिकेट वो टेस्ट और वनडे में खेलते हैं, मुझे लगता है कि वो फ्रीडम उनको T20 में भी मिलेगा अगर वो ऊपर बैटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर करेगा कि वो शाहनवाज अपना शादाब को और मोहम्मद नवाज को कब बॉलिंग कराए। अगर सामने ऋषभ पंत रहते हैं तो ये उनके प्लान्स को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू नो कहीं ना कहीं एक कप्तान के लिए और बोलर्स के लिए मुझे लगता है सिरदर्द बन सकता है। क्या टॉप ऑर्डर को, भारतीय टॉप ऑर्डर को अपने अप्रोच में थोड़े से बदलाव की जरूरत है वसीम? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि केएल राहुल का तो खैर आपने जिक्र कर दिया कि उनकी जगह अगर ऋषभ पंत के साथ जाए तो बेहतर होगा। इनके अलावा आप रोहित शर्मा की भी पारी को देखें तो वो रोहित शर्मा जिसके लिए जाने जाते हैं रन मशीन, वो नहीं दिखी है। कोहली ने भी रन जरूर बनाए हैं, पर क्या वैसी फ्लुएंसी कोहली की नजर आई वसीम? जी, आप रोहित शर्मा का चलना बहुत जरूरी है। यू नो केएल राहुल भी जो दोनों ही इनिंग खेले पहले मैच में, तो पहले ही गेंद पर आउट हो गए थे। दूसरी गेंद में भी मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम लेकर उन्होंने खेला, क्योंकि उनको वो रिदम अपना वापस लाना है, फॉर्म वापस लाना है, और आप हांगकांग के सामने खेल रहे हो तो आप थोड़ा सा टाइम लेना अफोर्ड कर सकते हो। और विराट कोहली की भी अगर बात करें तो एक अच्छी चीज है कि उन्होंने, उनके पीछे स्कोर है, उन्होंने 59 रन नॉट आउट बनाए, थोड़ा सा टाइम बिताया, पहले पाकिस्तान वाले मैच में भी 35 रन बनाए, तो रन तो है बिल्कुल, लेकिन हाँ वो फ्लुएंसी मुझे थोड़ी सी मिसिंग लग रही है। यू नो जो जिस चीज से हम जानते हैं विराट कोहली को, जिस तरह से हमने उनको खेलते देखा है पहले, तो वो फ्लुएंसी डेफिनेटली मिसिंग है। बट मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल का अच्छा स्टार्ट देना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अगर हमको अच्छा स्टार्ट मिलता है और उसके बाद में जिस फॉर्म में सूर्य कुमार यादव है और अक्षर पटेल वापस आए हैं, हार्दिक पांड्या फॉर्म में है, तो मुझे लगता है इंडियन टीम के लिए बेहतर होगा। अगर हम पहले पावर प्ले में अगर एक या दो विकेट लूज कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा से हम फिर बैकफुट पे आ जाते हैं, तो ये रोहित और केएल अगर खेलते हैं तो इनका थोड़ा सा अच्छा खेलना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बड़ी जबरदस्त चीज इस मुकाबले में नजर आएगी वसीम, वो ये है कि T20 अंतरराष्ट्रीय में जो टॉप 3 बैट्समैन बैटर हैं वो तीनों ही इस मैच में खेलते नजर आएंगे। नंबर 1 पर रिजवान, नंबर 2 पर बाबर आजम और 3 पर सूर्य कुमार यादव। तो इसी से हम आगे बढ़ते हुए स्विच करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं। आपने पावर प्ले का जिक्र किया वसीम, लेकिन पावर प्ले थोड़ा सा परेशान पाकिस्तान को भी कर रहा है, क्योंकि उनकी धीमी शुरुआत, बाबर आजम और रिजवान समय लेते हैं, फिर फखर जमान आते हैं वो भी उस फ्लो में खेलते हुए नजर नहीं आए हैं, तो क्या ये उनका धीमा अप्रोच पावर प्ले में भारत के पास एक मौका होगा फायदा उठाने का?
बिल्कुल रिजवान हालांकि रन उन्होंने बनाए हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा नहीं है, और बाबर आजम को भी हम जानते हैं कि वो पाकिस्तान की बैटिंग उनके आसपास यू नो रिवॉल्व करती है, तो बाबर आजम का अगर विकेट भारत ने जैसे पहले मैच में ले लिया कहीं ना कहीं आप उनको एक सेटबैक में डाल देते हो, और इतने बड़े शॉट वो लोग नहीं लगाते, बहुत सिक्स हिटिंग बैट्समैन नहीं है ये दोनों भी, तो इंडिया ऑब्वियसली होप करेगा, उनकी सारी बैटिंग उनके टॉप थ्री पे डिपेंड करती है, फकर जमान इंक्लूडेड, तो अगर इंडिया इन तीनों को अगर जल्दी आउट कर लेती है तो इनके जो मिडिल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं थोड़े से इनएक्सपीरियंस है, आसिफ अली माने जाते हैं यू नो बड़े शॉट लगाने के लिए लेकिन अगेन इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, यू नो उसके अलावा खुशदिल शाह बहुत नए हैं हालांकि उन्होंने पारी अच्छी खेली, तो इंडिया डेफिनेटली होप करेगा कि रिजवान और बाबर अगर वो खेल भी रहे हैं तो वो उनको यू नो ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने नहीं दे, जो मुझे लगता है कि उनके बाकी बैट्समैन को प्रेशर में डालेगा, तो डेफिनेटली एक स्ट्राइक रेट का जो इश्यू है वो पाकिस्तान के दिमाग में होगा कि पावर प्ले में वो जितना चाहते हैं उतना रन नहीं बना पा रहे, इवन पावर प्ले के बाद भी हमने देखा था कि रिजवान है वो 43 उन्होंने बनाए थे इंडिया के सामने 42 गेंद में, तो अगर ऐसा वो खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता इंडिया माइंड करेगा, और अगेन बाबर आजम का विकेट बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इंडिया फिर से उनको जल्दी आउट कर देता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर मुझे लगता है उनकी बैटिंग पे फिर से प्रेशर आ जाएगा। और बाबर आजम अभी तक दो मैचों में 19 रन बना पाए हैं 9 और 10 अब तक पिछली दो पारियों में, पर गेंदबाजी की बात करें वसीम पाकिस्तान की तो एक तो उनके पास वैरायटी भी ज्यादा है, 3 अच्छे तेज गेंदबाज 2 अच्छे स्पिनर, पर शाहनवाज दहानी को चोट लगी है उनकी जगह हसनैन या हसन अली दोनों में से कोई एक आ सकते हैं, तो क्या ये बोलिंग पाकिस्तान की थोड़ी सी ऐसी है जिससे भारतीय बल्लेबाजों को होशियार रहना होगा? जी हाँ, बोलिंग तो पाकिस्तान की है ही अच्छी, नसीम शाह ने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, हालांकि इंडिया के सामने थोड़ा सा वो यू नो क्रैम से जूझ रहे थे लेकिन हांगकांग के सामने बढ़िया बोलिंग की, इंडिया के सामने जो पहले 2 ओवर डाले बड़े अच्छे इंप्रेसिव यू नो 2 ओवर थे वो, उसके अलावा हारिस रऊफ हम जानते हैं कि तेज गेंदबाजी से गेंद करते हैं वो होंगे, अब तीसरा गेंदबाज कौन खेलता है क्योंकि हसन अली का जो रिकॉर्ड है वो इंडिया के सामने इतना अच्छा नहीं है, तो क्या पाकिस्तान हसनैन के की तरफ जाना सोचेगी क्योंकि उनके पास गति है उनके पास पेस है और रिसेंट थोड़ा फॉर्म उनका अच्छा है, तो ये देखना होगा, अगर हसन अली खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता इंडिया माइंड करेगा क्योंकि इंडिया के सामने यू नो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली है इन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है इनके सामने, तो ये देखना होगा, हालांकि स्पिन उनकी बेहतर है एक तरह से, शादाब खान है जो थोड़ी सी वैरायटी रखते हैं, नवाज ने यू नो दोनों ही मैच में बढ़िया बॉलिंग की है विकेट ली है, थर्ड सीमर किसको वो खिलाते हैं ये थोड़ा सा देखना होगा, बट हाँ उनके पास गति है पेस है तो, और लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो शाहीन शाह आफरीदी का जो फैक्टर है वो पाकिस्तान डेफिनेटली मिस कर रहा है, एक लेफ्ट हैंडर वो भी इतनी क्वालिटी के बॉलर, उनको उनका नहीं खेलना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डेफिनेटली खल रहा होगा। वसीम बिल्कुल आखिर में और चलते चलते आपकी जल्दी से एक वसीम वानी कहें या प्रेडिक्शन टाइम कहें, भारत पाकिस्तान 1-0 से 2-0 या 1-1? मुझे लगता है कि 2-0 के चांसेस ज्यादा है, बट पाकिस्तान यू नो जिस फॉर्म से वापस आया है जिस तरह से हांगकांग को उन्होंने बीट किया, हालांकि वो टीम हांगकांग ही है लेकिन आपके बैट्समैन ने रन बनाए हैं, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, संडे को ऑब्वियसली एक डिफरेंट प्रोपोजिशन होगा डिफरेंट प्रेशर होगा लेकिन पाकिस्तान को कम आंकना एक गलती होगी क्योंकि उनके पास भी मैच विनर्स है उनके पास भी क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन इंडिया भी अच्छे फॉर्म में है, हालांकि रविंद्र जडेजा का झटका जरूर लगा है इंडिया को, लेकिन इंडिया लकी है कि अक्षर पटेल के तौर पे उनके पास एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, तो 2-0 तो हम सभी चाहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि एक कड़ा मुकाबला फिर से शायद हमको देखने मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपके सटीक विश्लेषण के लिए, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते फिर आपको याद दिलाते हैं इस मुकाबले को भी आप एंजॉय कर सकते हैं हिंदी में, आप बॉल बाय बॉल टेक्स्ट कमेंट्री हमारे बेहतरीन टेक्स्ट कमेंटेटर के द्वारा पढ़ सकते हैं, बस आपको फॉलो करना है www.espncricinfo.com/hindi पर।